चलो बच्चों, हाँ ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये क्या है कि आपको ज्यादातर याद करना है, फैक्ट वाला। इसमें बहुत ज्यादा यस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे मैं अभी ये चैप्टर खत्म करने के बाद वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटिंग चीजें मैं बाद में करा दूंगा। ओके यस सर। देखो बेटा, इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजी इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसमें चार टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर। तुम्हें पता है जितना मेंडलिज्म और मॉलिकुलर से मिला के क्वेश्चन आएगा उतना इस चैप्टर से अकेले आएगा। मतलब कोई सोचे कि चैप्टर बेकार है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। देखो इसमें एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर चार टॉपिक है। ओके देखो, इसमें पहले पन्ने पे जो है ये समझा रहा है कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो भी हमने बायोलॉजी से सीखा है, मतलब जो भी हमने बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स सीखा है उसको एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग में अप्लाई करना है। इसको जो भी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है उनका एप्लीकेशन किस में होगा? एनिमल हस्बेंड्री की, प्लांट ब्रीडिंग की, दोनों। तो दोनों में, तो मतलब इसमें चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है, पहली एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी है और दूसरी प्लांट ब्रीडिंग पढ़नी है। इसमें देखो पहला हेडिंग एनिमल हस्बेंड्री। देखो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि वह जो केयर करता है और जो ब्रीड करता है उसको हस्बैंड बोलते हैं, ठीक है, पति बोलते हैं जिसको, सेनापति, राष्ट्रपति, केवल वो पति पत्नी वाला पति नहीं होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री में वो जो लाइव स्टॉक को केयर करे और ब्रीड करे। लाइव स्टॉक का क्या मतलब होता है? ऐसे मवेशी जानवर जिनको हम आर्थिक लाभ के लिए रखें, जैसे भेड़ है, ऊंट है, बकरी है, सूअर है, गाय है, भैंस है, भाई कुछ भी जानवर बोले हम, इवन लोमड़ी से लेकर सांप तक सब कुछ एनिमल हस्बेंड्री में रख सकते हैं। अगर किसी जानवर को हम ना आर्थिक लाभ के लिए रख रहे हैं तो एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री का दो ही टारगेट होता है कि उसकी केयर करना और उसको ब्रीड कराना, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना में लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन कितना है बोलो भाई? 70%। बहुत पिटोगी, मोर देन 70। 70 नहीं है, ध्यान से सुन लो, उसमें दे यस देगा सर। क्या 60, 70, 80 तो लगाओगी, 80, 70 से ज्यादा, समझे? अच्छा लाइव स्टॉक का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय लाइव स्टॉक? ऐसे जानवर जिनको आर्थिक लाभ के लिए रखते हैं, फार्म एनिमल केप्ट फॉर प्रॉफिट। दे आर फॉर्म, लिखते जाओ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना जिनको नहीं पता वो लिखते जाए। देखो एक भी क्वेश्चन लेक्चर से बाहर नहीं आएगा, ध्यान से सुन लो, चाहे एनसीईआरटी का हो या एनसीईआरटी से बाहर का हो। लाइव स्टॉक का मतलब होता है फार्म एनिमल केप्ट फॉर प्रॉफिट। ओके अब चलिए, अब हम ना नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब इसमें ध्यान रखना, जो सबसे ऊपर देखिए लिखा है, सरप्राइजिंगली नोट दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज द ओनली 25%। इसका मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी ये लो है कि हाई है? प्रोडक्टिविटी वेरी लो। बेटा जीरो नंबर मिलेगा, वेरी हाई, बट प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। अच्छा देखो, मेरे से फायदा तभी होगा जब आप तुरंत तुरंत बोलते जाएंगे, तभी हमसे मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएंगे। और आपको जहां भी बुलवाएंगे जो दिल में आया करे वो बोला करो। हम कहें कि इंडिया और चाइना का जो लाइव स्टॉक का परसेंटेज है वो 70% से ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी 25% है। दो ही कंट्री मिलकर 25% तो बहुत बड़ा होता है। अगर किसी कंपनी का शेयर अगर मेरे पास 10% ही आ जाए, कंपनी का मालिक बन जाती हूँ। तो अगर मान लो 25% शेयर है तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आगे देखो लिखा भी है, प्रोडक्टिविटी नहीं लिखा है, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? यस सर। प्रोडक्टिविटी तो हाई है बेटा, बट पर यूनिट वेरी लो है, ठीक है? अब यस देखो, अब इसमें ना आपको फालतू बातें दी हुई है कि अगर मवेशी जानवर पालना है ना तो आपको उनकी देख रेख करना पड़ेगा, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, यही सब दिया हुआ है, ठीक है? तो मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल केयर फॉर प्रॉफिट,
उसमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट है और पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है, दो चीजें तुमको देखना है। डेयरी मतलब जिसे हम दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, पोल्ट्री जिसमें मीट से रिलेटेड हम लोग प्रोटीन से रिलेटेड कंटेंट निकालें, जैसे मांस हो गया, अंडा हो गया, ओके। तो इसमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से यहाँ तक पूछा नहीं है तभी भी नहीं पूछेगा। बट इतना ध्यान रखना कि जो भी गाय या भैंस होते हैं उनको ओवर फीडिंग और अंडर फीडिंग, ज्यादा खिला दो या कम खिला दो तो उनका दूध का जो पैदावार है वो कम होगा। पशुओं का जो फीडिंग है वो साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए, ठीक है, उनको साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए उनका। जैसे इंसान लोग होते हैं वैसे जो जानवर होते हैं बड़े बेजुबा होते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें हैंडलिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से की जाती है और कुछ नहीं है इसमें। देखो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि ऐसी वैरायटी जो भारत की है उसको बोलते हैं इंडिजिनस, जो बाहर की है उसको बोलते हैं एक्जोटिक, समझे। तो इंडिजिनस और एक्जोटिक में, तो इंडिजिनस देखो साहिवाल कहाँ की है, पंजाब, करण स्विस कहाँ की है, हरियाणा, सुनंदिनी कहाँ की है, केरला, ये जेनेटिक्स आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर मान लो कोई फॉरेन नाम दे, जैसे कहीं फ्रीजियन या देते जर्सी, समझो, तो फ्रीजियन हो गया, जर्सी हो गया, होल्स्टीन, यानी बोलने में थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप का लगे, इंग्लिश टाइप का, तो समझो एक्जोटिक ब्रीड है, ठीक है। तो चलो साहिवाल इंडिजिनस है कि एक्जोटिक, इंडिजिनस। करण स्विस, देखो करण स्विस देखने में फॉरेन वाला लग रहा है लेकिन हरियाणा। अब आ जाओ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में देखो मुर्गा मुर्गी पालते हैं, अच्छा बकरी से भी हम लोगों को मीट मिलता है, फिर भी हम पोल्ट्री को क्यों ज्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिया का पूरा रैंक जो है वर्ल्ड में 6 रैंक है पोल्ट्री में, आईसीएमआर द्वारा जनहित में जारी, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, 1% वन डे वन एग, 1% वन डे 180 ग्राम मीट। देखो जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो पोल्ट्री में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका मटन हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट होता है। तो जो भी लीन मीट होता है, मतलब ऐसा मीट जिसमें वसा कम हो, वसा रही, लीन मीट सबसे ज्यादा पोल्ट्री में होता है, समझे। तो इसीलिए पोल्ट्री का हम लोग फार्मिंग पढ़ रहे हैं। तो पूछेगा भाई पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इज प्रीफर्ड ओवर, आप देखोगे एनी अदर मीट फार्म मैनेजमेंट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू यील्ड क्या है, लीन मीट, मोर प्रोटीन, नहीं हम कहेंगे प्रोटीन रिच लिपिड फ्री मीट, ऐसा मीट जिसमें प्रोटीन तो है बट लिपिड नहीं है, ठीक है। और इसमें देखो एक टर्की वर्ड दी हुई है, ये एक ऐसी चिड़िया है जो रिसेंटली डोमेस्टिकेटेड है, इससे पार्थिनोजेनेसिस होता है, बाकी इस पन्ने पे बेटा कुछ नहीं जानना आपको। अब आइए जरा ध्यान से वहां पे जरा फोटो देखिए, फोटो में आप देखो फोटो में एक गाय बनी हुई है, समझ रहे हो, इसका नाम है जर्सी, जर्सी गाय। देखो जर्सी गाय कहाँ की है, यूएसए की, इंग्लैंड, इंग्लैंड की है जर्सी, जगह जो है यूएसए में है भले, लेकिन ये जर्सी गाय कहाँ की है, इंग्लैंड की है, ठीक है। और देखो जो फोटो दूसरा बना, लेगहॉर्न, ये एक्जोटिक ब्रीड है मुर्गा मुर्गी का, अगर तुमसे दे दे क्या घाघस, असील, कड़कनाथ, ये सब इंडिजिनस ब्रीड है। जो इंडिजिनस ब्रीड होता है वो उसका नाम जैसे हम कहें घाघस, असील, कड़कनाथ, ये सब इंडिजिनस है, लिखते जाना साइड में, पूछेगा GHAGHUS घाघस, AWSEL असील, असील को बोलते हैं गेम बर्ड, यही एक मुर्गा है जो मुर्गियां लड़ाई में, कॉक फाइट में यूज करते हैं, ओके। अब आ जाओ एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग ब्रीड करते हैं, क्या है, तीन तरीके की सिचुएशन है। पहले तो जानो अगर सेम जीनोटाइप में है तो क्या बोलते हैं, इनब्रीड, डिफरेंट जीनोटाइप में बोलो आउटब्रीड। तो बेटा ये डेफिनेशन, हाँ ये डेफिनेशन थोड़ा सा गलत है, हम ऐसे बोलेंगे कि जो इनब्रीडिंग होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम ब्रीड में होता है, बट जो आउटब्रीड होता है, आउटब्रीड होता है वो सेम ब्रीड में होता है। क्या बेटा शोर बहुत हो रहा है, सब लोग हेडफोन लगा लो, देखो हम भी हेडफोन लगा लिए, मेरी साइड से देखो शांत हो गया, सर आपकी साइड से शांत हो गया, अब सही है सर। बेटा हम तो एसी भी नहीं चला रहे ना, पंखा चला रहे ताकि थोड़ा सा भी नॉइस ना आए, ठीक है। नहीं सर अब सही है। हम ही कह रहे हैं आपसे कि
देखो जो ध्यान से सुनो मेरी बात, एक होता है इनब्रीडिंग, एक होता है आउटब्रीडिंग। जो इनब्रीडिंग होता है वो ऑलवेज सेम ब्रीड में होता है, बट आउटब्रीड सेम ब्रीड और डिफरेंट स्पीसीज तीनों में हो सकता है। ऐसे जानवर जिनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है उसको बोलते हैं हम लोग इनब्रीडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? इनब्रीडिंग, समझो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सीधे वही हिट करो जो क्वेश्चन पूछेगा। पेज नंबर 167 पे नीचे से 1 2 3 4 5 पांचवी छठवी लाइन देखो, लिखा इट ऑल्सो हेल्प इन, या यहां से इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन। मिला यस सर बेटा? देखो अभी तक जो पढ़ाए हैं वो इंटरेस्टिंग है बट एग्जाम ओरिएंटिंग कम है, बट ये जो लाइन है इन ब्रीडिंग से लेकर और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन तक, ये वो है जो आपसे गलत होगा। देखो इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन, देखो जितने हार्मफुल रिसेसिव जीन होते हैं जो छुपे होते हैं जो जल्दी दिखते नहीं है, जब इन ब्रीडिंग कराते हैं तो निकल के बाहर आ जाते हैं, उसे वो एक्सपोज हो जाते हैं, उनका भेद जो है खुल जाता है। इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। और दूसरी बात, इट ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, गेट इट? इन ब्रीडिंग से किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है? इनफीरियर जीन की सुपीरियर जीन, सुपीरियर जीन, एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, यानी जितने लेस डिजायरेबल जीन है वो बाहर हो जाएंगे और सुपीरियर जीन क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे। देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज अ सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। हाउएवर गेट इट? कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी इवन प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, जनरल चीजें बता भी दी, क्या क्या बता दी शॉर्ट में एक बार सुन लो। इनब्रीडिंग से एक्सपोज हो रहे हैं हार्मफुल रिसेसिव जीन, ये कहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है भाई? जो भी इनब्रीडिंग है एक्सपोज कर रहा है हार्मफुल रिसेसिव जीन को, जो कि नॉर्मली सिलेक्शन से एलिमिनेट हो जाते थे, इससे एक्यूमुलेशन हो रहा है सुपीरियर जीन का, इससे एलिमिनेशन हो रहा है डिजायर्ड जीन का। तो पूछेगा इसे एक्यूमुलेशन हो रहा है कि एलिमिनेशन, तो कहोगे दोनों। किसका एक्यूमुलेशन है? सुपीरियर जीन का। किसका एलिमिनेशन है? लेस डिजायर्ड जीन का। अच्छा तुमसे अगर पूछे कि इनब्रीडिंग अच्छा होता है बेकार, क्या बोलोगे? सर शॉर्ट टर्म के लिए सही है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली बहुत बार करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएंगे। हाँ गुड। अब देखो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा। ये पूरा मतलब ये जो लिखा है आउटब्रीडिंग, उस आउटब्रीडिंग के नीचे तीन हेडिंग है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको मैं ऐसे पढ़ाता हूँ बच्चों को, आउटब्रीडिंग तीन तरह के हैं, आउटब्रीडिंग तीन तरह के हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे याद रखना, ओसी सीबी आई एच, गेट इट? ओसी सीबी आई एच, सेम ब्रीड डिफरेंट स्पीसीज। ऐसा क्रॉस जो सेम ब्रीड में होता है, आउट क्रॉसिंग, जो डिफरेंट ब्रीड में होता है, क्रॉस ब्रीडिंग, जो डिफरेंट स्पीसीज में होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मैं फिर कह रहा हूं आउटब्रीडिंग तीन तरह के हैं, ओसी सीबी आई एच। सेम ब्रीड क्या है? ओसी। डिफरेंट ब्रीड क्या है? सीबी। और डिफरेंट स्पीसीज क्या? आई एच। ओसी का मतलब क्या है भाई? आउट क्रॉसिंग। सीबी का मतलब क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग। और आई एच का मतलब क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें से एक सवाल पक्का आएगा, ओसी सीबी आई एच, सेम ब्रीड डिफरेंट स्पीसीज। देखो जो आउट क्रॉसिंग है इसमें क्या होता है कि क्लोजली रिलेटेड, हम कह रहे हैं क्या, सेम ब्रीड में जिनमें कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो 4 से 6 जनरेशन तक, उनको क्रॉस कराते हैं तो आउट क्रॉसिंग होता है। आउट क्रॉसिंग का जो बच्चा होता है उसको हम आउट क्रॉस कहते हैं, और ये बेस्ट ब्रीडिंग मेथड होता है उन जानवरों में
जिनमें बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी है. और एक लाइन लिखा है, अ सिंगल आउटक्रॉस हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सिर्फ एक बार आउटक्रॉस करा दे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, समझो. तो आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, सेम ब्रीड में क्रॉस हो रहा है जिनमें चार से छह जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इनका जो बच्चा है उसे आउट क्रॉस कहते हैं. और ये बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है उन एनिमल में जिनमें बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी है. और क्या है कि सिंगल आउट क्रॉस सफिशियंट है ओवरकम करने के लिए क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके चलो, अब है क्रॉस ब्रीडिंग. ये डिफरेंट ब्रीड में होता है. इसका एक एग्जाम्पल जो है हिजार्डेल है. दिस इज गोइंग टू बी क्रॉस बाय बीकानेरी इवन मरीनो रेम. कहाँ, पंजाब में. ये किसकी ब्रीड है, शीप की, भेड़ की. भेड़ की एक ब्रीड बनाई गई पंजाब में जिसमें कौन कौन से जानवर लिए गए, बीकानेरी ईव और मरीनो रैम. ये किसका प्रोडक्ट है, क्रॉस ब्रीडिंग का. और जबकि तीसरा है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज जैसे मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से क्या बना दिया, म्यूल, जिसमें गधे सी मजबूती और घोड़े सी फुर्ती है. अब इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी जल्दी बताओगे क्राउड ब्रीडिंग कितने तरह का है. इसी स्टाइल. अच्छा देखो ना, तुम हमको वर्चुअल क्लास में नहीं देखे हो, हम तुम्हें भी नहीं देखे हैं, ठीक है. तो हम ना तुमको उतना हम ग्रेसअप नहीं कर पा रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है. बट धीरे धीरे मैं बहुत तेज तुम्हारे ब्रेन को कैप्चर करूंगा. एक दो दिन लगेगा टाइम, बाकी तुमको टाइम नहीं लगेगा. इसमें ध्यान से सुनना, OCCBIH इस स्टाइल को दिमाग में भर लो. सेम ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट स्पीशीज. अच्छा, बेस्ट ब्रीडिंग मेथड जो ओवरकम करता है इनब्रीडिंग डिवाइस, वो क्या है, आउटब्रीडिंग, आउटक्रॉस. आउटक्रॉस, वेरी गुड, आउटक्रॉस. अच्छा ये बताओ कितने आउटक्रॉस चाहिए इनब्रीड डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए. वन. अब आ जाओ, देखो लिखा है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. लिखा है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो देखो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को इस्तेमाल करके कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कराते हैं. क्यों, क्योंकि मैच्योर मेल और फीमेल में जो सक्सेस रेट रेशियो होता है वो बहुत कम होता है. जानवरों की बात छोड़ दो, इंसानों में भी जो मेल और फीमेल होते हैं एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ठीक है. तो जानवरों में कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इंसान ये डिस्टर्बेंस हो रहा है. हमने कहा कि इंसानों में जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और प्रेगनेंसी होती है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है जो हमारे बस में नहीं होता है. अगर मान लो कोई चाहे हस्बैंड वाइफ की, चलो हम आज फीमेल प्रेग्नेंट हो जा रही है और 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा, तो कई बार तो 6-6, 8-8 साल 10-10 साल लग जाते हैं, बच्चे नहीं हो पाते हैं, समझो. तो जानवरों में तो बड़ा टिपिकल है, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्रीडिंग अपने अकॉर्डिंग हो जाए जानवरों में, तो हम सहारा लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का. तो इसमें अच्छा सारे लोग म्यूट कर लो, किसी में फोन आ रहा है. सारे लोग म्यूट करके मेरी बात ध्यान से सुनो. हमें कह रहे हैं कि जानवरों में जो सक्सेस रेट होता है मैच्योर में बहुत कम होता है, ठीक है. कभी कभी जानवरों में स्पर्म काउंट कम होता है, कभी कभी वो क्या है जैसे गाय है वो लेके गए बुल के पास, तो एक बुल के पास सुबह से 20 गाय आई है, तो उसका जो इजेकुलेशन है तो 200 में होगा, बट धीरे धीरे उस इजेकुलेशन के अंदर स्पर्म काउंट कम होता जाएगा. तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हर्ड इंप्रूवमेंट कर ले, तो उसीलिए हम सहारा लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का. और इसमें एक फेनोमेना है MOET. तो पहली बात, इसमें फुल फॉर्म पूछ सकता है, MOET का फुल फॉर्म क्या है, तो बोलो कि मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक. इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, हम किसी गाय को FSH और LH का इंजेक्शन दे देते हैं, दोनों इंजेक्शन देंगे. तो नॉर्मली एक साइकिल में एक अंडा देती, बट इस सिचुएशन में जो अंडा देगी वो 6-8 एग आएंगे. जब 6-8 एग आएंगे तो हम क्या करेंगे, उस गाय के ऊपर एक चंगा सांड से, उसको एलिट बुल बोलते हैं. एलिट बुल मतलब चंगा सांड. चंगा सांड का मतलब ये नहीं कि खूब हैवी हो, नहीं, जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर हो, समझ लो. फिर हम स्ट्रॉन्ग बुल कहते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बुल नहीं कहते, हम एलाइट बुल बोलते हैं. एलाइट बुल मतलब जो
ऐसा बुल जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर है, जैसे कई तरह के ब्रीड होते हैं, कुछ मिल्स ब्रीड होते हैं, कुछ जनरल यूटिलिटी ब्रीड होते हैं, समझो, ऐसा ब्रीड जो दूध के लिए पालते हैं उसको बोलते हैं मिल्स ब्रीड, ऐसा ब्रीड जो सेफ्टी के लिए पालते हैं उनको जनरल यूटिलिटी ब्रीड बोलते हैं, ऐसा ब्रीड जिनको काम के लिए पालते हैं, वर्क करने के लिए, जैसे बैल हो गया, इनको ड्रॉट ब्रीड कहते हैं। तो जानवरों में कई तरह के ब्रीड होते हैं, ड्रॉट ब्रीड, मिल्स ब्रीड, जनरल यूटिलिटी ब्रीड। तो दूध के लिए कौन सा है? मिल्स। काम के लिए ड्रॉट, और जनरल यूटिलिटी किसके लिए? सेफ्टी के लिए। तो इसमें क्या है, जिस जानवर पे हम, कोई जरूरी नहीं है कि गाय पे भैंस पे सुअर पे और डिफरेंट भेड़ पे बकरी पे, यानी हम कम समय में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं MOET से, समझो। मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम पशुओं के समूह को हम सुधार देते हैं। देखो सुअर यूरोप में बहुत खाया जाता है, पिग, जैसे तुम जो डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं, भले वेज मंगाओ पर डोमिनोज वाले उस वेज वाले में भी ना सुअर डालते हैं, समझो। तो खा, जो वेज भी है, वेज पिज्जा खा रहे हैं, उसमें भी सुअर के एक्सट्रैक्ट हैं, चाहे लाख कोई कुछ भी कर दे, टेस्ट नहीं आएगा। तो सुअर का मांस होता है उसमें बहुत टेस्ट होता है, तो टेस्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा पैदावार चाहिए सुअर की, तो इतना सुअर कहां से पैदा करेंगे? तो हम बहुत कम समय में MOET का सहारा लेके सुअर पैदा करते हैं। तो ये जो सुअर होते हैं, सुअर के साथ दिक्कत क्या है, मीट तो इसका टेस्ट ही नहीं है, बट इसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, बट MOET का सहारा लेके हम लोग लीन मीट बना लेते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि MOET में हम गाय या भैंस को FSH और LH का इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद उसमें अंडा पहले एक निकलता था, 6 से 8 निकलेगा, इसको सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। उसके बाद उस जानवर के ऊपर ना किसी एलाइट मेल से उसका क्रॉस कराते हैं, अगर मान लो एलाइट मेल नहीं मिल पाया तो AI करा लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद लेट द जायगोट टू डेवलप, उसको 8 से 32 सेल स्टेट तक जायगोट को हम डेवलप करने लगते हैं। जब 8 से 32 सेल स्टेज तक उस माँ के अंदर जो जायगोट डेवलप होता है उसको हम क्या करते हैं, नॉन सर्जिकली बाहर निकालते हैं, गेट इट, नॉन सर्जिकली बाहर निकालते हैं। तो जिस माँ का अंडा है उसको जेनेटिक मदर कहते हैं, लेकिन एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए जिस फीमेल का यूज करते हैं उसको सरोगेट मदर करते हैं। ऐसे एक गाय प्रेग्नेंट होती, अब 6 से 8 अंडे हैं तो 6 से 8 जायगोट बनेंगे, तो 6 से 8 गाय जो है, गाय या भेड़ या भैंस या घोड़ी, ये सब प्रेग्नेंट हो जाएंगे एक साथ, समझो। तो देखो एक बार फिर शॉर्ट में पूरा प्रोसेस सुन लो, MOET का फुल फॉर्म मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, इसमें गाय भैंस सुअर भेड़ घोड़ी इनको क्या करते हैं हम लोग, FSH और LH दोनों का इंजेक्शन देते हैं। नॉर्मली एक अंडा देती, अब 6 से 8 देगी, सुपर ओवुलेशन बोलेंगे, एलाइट बुल से उसको क्रॉस कराएंगे जेनेटिक मदर को, नहीं मिल रहा है तो AI करा देंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद उसके अंदर ना उसके ओवरीज में हम सारी चीजें अपने आप एजिटीज होने देंगे, यूट्रस में एजिटीज होने देंगे, यूट्रस में भी इम्प्लांट होने के पहले 8 से 32 सेल स्टेज पे नॉन सर्जिकली उसको बाहर निकाल लेंगे, और निकाल के दूसरी जो होंगी जो नॉन प्रेग्नेंट होंगी उनको प्रेग्नेंट कर देंगे एक साथ, समझो। अब इसमें एक लाइन लिखा है, मीट विथ लेस लिपिड, लीन मीट। देखो आवाज अब भी की, किसी को भी सर में दर्द है, बॉडी में ठीक नहीं हो रहा है, कमर में दर्द है ठीक नहीं हो रहा है, ज्वाइंट में दर्द है ठीक नहीं हो रहा है, इवन आपको बोले कि आपकी जो फिजिकल सेक्सुअल मेंटल स्टेमिना का सबसे बड़ा बूस्टिंग टॉनिक जो होता है वो हनी होता है। हनी इज आयुर्वेदिक टॉनिक जो आपके न्यूरॉन्स को एक्साइटेड कर देता है। न्यूरो आपको देखोगे, पहले मानते थे कि न्यूरॉन डिजनरेट हो जाते हैं, अब हम लोग ना जो न्यूरॉन मर चुके हैं उनको जिंदा कर रहे हैं, सोचो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है बी कीपिंग का। अगर किसी को पता चल जाए कोई बुढ़ापा रोक रहा है तो सब लोग पगला पगला यूज करेंगे। तो आज भी जो समझदार लोग होते हैं दिन में एक चम्मच हनी जरूर खाते हैं। तो हनी का कीपिंग क्या है, बी कीपिंग, एपी कल्चर ओल्ड एज कोटेज इंडस्ट्री है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इंडिजिनस मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, और इसमें एक नाम दिया है एपिस इंडिका, बट इसके अलावा भी आपको याद रखना है। देखिए एक नाम लिखिए एपिस मेलिफेरा, लिखिए यूरोपियन बी, जल्दी जल्दी लिखते लिखिए एपिस मेलिफेरा यूरोपियन बी, लिख जाइए कमर्शियल पर्पज।
पूछेगा वो कौन सी मधुमक्खी है जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो कहोगे एपिस मेलिफेरा, इसी को बोलते हैं यूरोपियन बी। एक और इसका नाम लिख लो, इटालियन बी। चलो इटालियन बी यूरोपियन बी एक ही है कि अलग अलग? एक ही। चलो इसमें देखोगे, बाकी मैं चाहता तो पढ़ाता एपिस डोरसाटा जिसको रॉक बी सारंग बी बोलते हैं, ये मोस्ट एग्रेसिव होती है, बट इसको हम पाल नहीं सकते क्योंकि हमको काट लेगी। ये भी पढ़ाते एपिस फ्लोरिया इसको भृंगा भी बोलते हैं, ये स्मॉलेस्ट बी होती है, बट बेटा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं एपिस मेलिफेरा, इसको यूरोपियन बी बोलते हैं। अगर मधु पालन करेंगे तो इसमें लेबर का खर्चा नहीं आएगा, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं आएगा, अपने घर के बरामदे में आंगन में छत पे हम बहुत आसानी से बी कीपिंग कर सकते हैं। बट कुछ जरूरी चीजें हैं जो जाननी चाहिए। पहला, नॉलेज एंड नेचर ऑफ हैबिट्स ऑफ बी, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, मतलब कौन सी मधु पालनी है और कहाँ पालनी है। मधु के जो ग्रुप ऑफ बी है, स्वाम, स्वाम का मतलब था मधुमक्खियों का ग्रुप, स्वाम ऑफ बी को कैसे कलेक्ट करना है, मैनेजमेंट क्या है, जैसे बरसात में कैसे पॉलीथीन लगाएंगे, ये क्या करेंगे, हैंडलिंग और कलेक्शन कैसे करेंगे। और ये याद रखना, ब्रेसिका एप्पल पियर सनफ्लावर, गेट इट, मधु पालन से किसमें पॉलिनेशन की दर बढ़ जाती है, सनफ्लावर ब्रेसिका एप्पल पियर, एप्पल पियर। ब्रेसिका मतलब क्या होता है, सरसों, सनफ्लावर सूरजमुखी, एप्पल तो जानते ही हो, पियर भी जानते हो, नाशपाती से। तो बताओ मधु पालन से चार पौधे हैं जिनमें पॉलिनेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सनफ्लावर ब्रेसिका एप्पल पियर। सनफ्लावर के लिए लिख जाओ येलो रेवोल्यूशन, सॉरी मस्टर्ड के लिए किनारे लिखो मस्टर्ड येलो रेवोल्यूशन, मिल्क व्हाइट रेवोल्यूशन, एग सिल्वर रेवोल्यूशन, फिश ब्लू रेवोल्यूशन, कई तरह के क्रांति हैं। इसमें पहला लिखा आपने येलो रेवोल्यूशन मस्टर्ड, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क, सिल्वर रेवोल्यूशन एग, ब्लू रेवोल्यूशन फिश। थोड़ी देर के लिए माइक खोलेंगे सब लोग। चलिए मस्टर्ड के लिए कौन सा है, येलो रेवोल्यूशन, केवल येलो रेड हो येलो, ठीक है मस्टर्ड के लिए। अच्छा क्रॉप के लिए, सीरियल्स के लिए, क्रॉप के लिए ग्रीन, ग्रीन ऑब्वियसली ग्रीन, मछली के लिए ब्लू, ब्लू दूध के लिए व्हाइट, मिल्क के लिए क्या व्हाइट ना, व्हाइट। चलिए अब माइक बंद कर लीजिए। अब देखो एक बात बताओ, जब तुमको भूख लगती है, सुनना बोलना नहीं समझना, जब भूख लगती है ना तो चक्कर आने लगता है, अगर पेट अच्छे से भरा हो, समझ रहे हो, अपने मन मुताबिक खाना मिला हो तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, हर चीज में मन लगेगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में जो सेल्स है ना उनको जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए, समझो। बट तुम्हारा ब्रेन की सेल्स, किडनी की सेल्स, लीवर की सेल्स, हार्ट की सेल्स, इनको ओमेगा थ्री चाहिए। ओमेगा फैटी एसिड होता है, ओमेगा थ्री, ओमेगा सिक्स, ओमेगा नाइन। अच्छा कुछ बच्चों के देखते हो, चाहे कितना भी खाएं एकदम बॉडी फिट रहती है, मोटे नहीं होंगे, पफी नहीं होंगे, बिल्कुल उनकी बॉडी लिथार्जिक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में ओमेगा इंटेक सही है। यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी एकदम स्लिम ट्रिम रहे, तुम बूढ़े ना हो, तुम फिट रहो हर मामले में, तो ओमेगा इंटेक तुम्हारी बॉडी में अच्छे से होना चाहिए। ओमेगा में क्या है, ओमेगा थ्री, ओमेगा सिक्स, ओमेगा नाइन। देखो तो ओमेगा सीरीज के जितने भी फैटी एसिड होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, और ये मछलियों से मिलते हैं, स्पेशली मछलियों का जो अंडा होता है, मछलियों का जो स्पर्म होता है, बहुत कॉस्टली बिकता है। ओमेगा थ्री सोचो 1600 रुपए का आता है 60 कैप्सूल, ओमेगा नाइन जो हमें लग रहा है 2400 से 2500 का आता है।
तो सोचो तुम, अगर कोई टिफिन ले रहा है 2000 रुपए महीना, तो उसको लगता है 2000 रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन अगर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के लिए अगर हम मार्केट से खरीद के लेके आए, तो 2, 4, 2, 6, 6000 रुपए तो ओमेगा खाना पड़ेगा हर महीने। भाई साहब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, हम जो खा रहे हैं ओमेगा मार्केट से खरीद के, उसका रिलायबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो हमारे बॉडी में जाने के बाद एब्जॉर्ब होगा कि नहीं। बट मछलियों के अंदर प्रोटीन के साथ साथ जो ओमेगा कंटेंट होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, इसीलिए फिशरीज को बढ़ावा दिया जाता है। और फिशरीज दो तरह की होती है, एक होती है कल्चर फिशरी और दूसरी होती है कैप्चर फिशरी। देखो कैप्चर मतलब पकड़ना, जैसे मान लो नदी में चले गए, गंगा में, यमुना में या प्रयाग में, कहीं चले गए नदी मछली पकड़ने, वो कैप्चर फिशरीज है। लेकिन अगर खेतों में हमने गड्ढा खोद के पानी डाला, उसमें छोटे छोटे मछलियां डाली और साल डेढ़ साल उसको हमने हार्बर किया और फिर उसको जा रहे हैं पकड़ने मछली, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, कल्चर फिशरीज। फिशरीज दो तरह की है, कल्चर फिशरीज, कैप्चर फिशरीज। पॉन्ड है ये कल्चर है, जबकि रिवर है वो कैप्चर है। और सुनो, जैसे देखो यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, इधर के जो लोग हैं ना, वो सोचो जो यूपी बिहार झारखंड के बच्चे हैं, इवन पंजाब वाले भी, गुजरात वाले कुछ हद तक, महाराष्ट्र वाले, एक नंबर पे बिहार, दो नंबर पे यूपी, समझो तीन नंबर पे पंजाब, ये लाइक दिस ऐसे है। तो ये जो स्टेट है ना, वहां पे तो एग्रीकल्चर है, लेकिन जितने तटवर्ती इलाका तुम चले जाओ, गुजरात का कुछ हिस्सा और पूरा तुम केरला तक चले जाओ, उधर विशाखापट्टनम होते हुए बंगाल तक पहुंचो, इस बंगाल में देखो कितनी हालत खराब है, इतनी पानी, लोग भूखमरी के शिकार है, भूख से मर रहे हैं, कोरोना तो बाद में मारेगा है क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तटवर्ती इलाकों पे रह रहे लोगों के जीविका का जो स्रोत है वो फिशरीज है, मछली पालन। तो इसमें देखो दो तरह की है मछलियां हैं, एक फ्रेश वाटर है और एक मरीन है। तो तुमको याद रखना है कौन सी फ्रेश वाटर है, कौन सी मरीन है। तो कटला रोहू कॉमन कार्प ये फ्रेश वाटर है, जबकि हिल्सा सार्डिन मैकरेल पॉम्फ्रेट ये मरीन है। तो कटला रोहू कॉमन कार्प क्या है, फ्रेश वाटर। कटला रोहू कॉमन कार्प ये फ्रेश वाटर है, जबकि हिल्सा सबसे टेस्टी मछली होती है, बांग्लादेश की नेशनल फिश है। सार्डिन मैकरेल पॉम्फ्रेट ये सब कौन से हैं, जो मरीन है। अब देखिए वही आगे दिया हुआ है कि इंडिया के इकोनॉमी में फिशरीज का बहुत बड़ा योगदान है। एक होता है एक्वा कल्चर, एक होता है पीसी कल्चर। केवल मछली पालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर, लेकिन मछली, केकड़ा, झींगा, लॉबस्टर, प्रॉन, मलस्क, ओइस्टर्स ये सब जो होता है ये आते हैं एक्वा कल्चर में, समझो। एक्वा कल्चर में पौधे भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे। देखो बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, समझो। तो एक्वा कल्चर में पानी में पाए जाने वाले पौधे, जानवर ये सब आ जाएंगे, बट पीसी कल्चर में केवल जो आएंगी वो मछलियां आएंगी, समझो बात को। ब्लू रेवोल्यूशन होता है इसकी बता चुके हैं। अब आ जाओ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में याद रखना सबसे ज्यादा वीट, राइस, मेज। प्लांट ब्रीडिंग का कमर्शियल एप्लीकेशन किसमें है, सबसे ज्यादा वीट में, राइस में, मेज में, और एक्सेट्रा लिखे एक्सेट्रा में लेग्यूम देंगे। प्लांट ब्रीडिंग 9000 से 11000 पहले स्टार्ट हुआ था, 9000 टू 11000 पहले। आपको जेनेटिक्स जब पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था आपको, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी सुपीरियर ब्रीड तब तैयार होती है, उसकी सुपीरियर ब्रीड तब तैयार होती है जब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन फॉलोड बाय डोमेस्टिकेशन। तो जो भी प्लांट ब्रीडिंग से पौधे होते तैयार होंगे या जानवर, एनिमल ब्रीडिंग से जानवर तैयार होंगे, उनमें सबसे अच्छी चीज क्या होती है, इंक्रीज्ड गेटेड, पेज नंबर 170 नीचे से तीसरी लाइन, इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट, सैलिनिटी में नमक, एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया या गर्मी पड़ रही है, उनका असर कम होगा, रेजिस्टेंट टू पैथोजन, मतलब जो भी प्लांट ब्रीडिंग से हम पौधे तैयार करेंगे उनमें वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया का असर कम होगा, इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, बर्दाश्त करने की क्षमता जब बढ़ जाएगी किसे, पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को डैमेज करता है। अब देखो ये ना, प्लांट ब्रीडिंग में 5 स्टेप है, ये फ्लोचार्ट दे देगा लिखने के लिए।
collection of variability, evaluation and selection of parent, cross hybridization among the selected parent, selection and testing of superior recombinant, testing release and commercialization of new cultivar. इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कोई भी तुम्हें फसल बनाना है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे कि जैसे मान लो तुम्हें मक्का बनाना है, मेज बनाना चाहते हो जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हो, जितने वैरायटी के मक्का दुनिया में हैं, उनका कलेक्शन करना, उसको बोलते हैं कलेक्शन अवेलेबिलिटी. इसी के अंदर आता है जर्मप्लाज्म कलेक्शन. तो पूछेगा, ये लाइन कई बार पूछ चुका है, एंटायर कलेक्शन ऑफ सीड एंड प्लांट हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील ऑफ ऑल द जीन इन अ क्रॉप इज कॉल्ड जर्मप्लाज्म कलेक्शन. मतलब जिसकी भी तुम्हें जैसे मक्के का बेहतर तुम्हें वैरायटी बनानी है, या गोभी बनानी है, या मिर्चा बनाना है, या मटर बनाना है, या गन्ना या गेहूं या धान बनाना है, जो भी तुमको बनाना है, उसका प्रोपोगेशन किस रूप में होता है, देख लो, सीड के रूप में होता है कि राइजोम के रूप में होता है कि सकर की बल्ब की क्या, जिस रूप में होता है उसको कलेक्ट कर लेना. एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन एंड द डाइवर्स एलील इन अ पॉपुलेशन, इन्होंने जर्मप्लाज्म कलेक्शन. जब जर्मप्लाज्म कलेक्शन कर लिया, अब उसमें से दो सुपीरियर पेरेंट चुन लो, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, और जो भी पेरेंट चुने हो उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दो. एक साइंटिस्ट की जिंदगी बर्बाद हो जाती है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में. 1,000, 10,000, 1,00,000 एक्सपेरिमेंट करोगे, हो सकता है एकाध सफल हो जाए. तो मोस्ट टीडियस में थकाऊ, झेलाऊ, उबाऊ, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस जो होता है वो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट होता है. उसके बाद क्या होता है बेटा, उसमें से भी जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो तुम सेलेक्ट करो, टेस्ट करो जो रिकॉम्बिनेंट आए हैं, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट. और सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट टेस्ट करने के बाद जो बाहर आया है, और उसको टेस्टिंग करोगे, फिर दोबारा रिलीज करोगे मार्केट में, और कमर्शियलाइजेशन जो न्यू कल्टीवर, यानी जो नया तुम फसल बनाए हो, कल्टीवर माने नया फसल जो तुम बनाए हो, उसको किसी कंपनी से टाई अप करके उसको क्या है, पॉलिथीन बनाना, बढ़िया उस पर मार्किंग करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना, ये होता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर. तो देख रहे हो, 5 स्टेप है. सबसे पहला कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा क्या है, सिलेक्शन इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट, फिर क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द पेरेंट, फिर क्या है, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट निकाल लेना, फिर उसको टेस्ट करके रिलीज करके और किसी कंपनी से बेच देना. तो तुम ये मत सोचो कि केवल डॉक्टर बन के ही तुम बहुत पैसा कमाओगे. अगर एक भी कोई तुम गेहूं या मक्का या राइस या कोई भी एक पेटेंट करा लिए अपने नाम से, 200 से 300 करोड़ रुपया मिलता है, बहुत आसानी से हो जाता है. कई मेरे स्टूडेंट है जो MBBS करना चाहे नहीं कर पाए, आज बढ़िया पेटेंट करा के US में सेटल्ड है. ऐसे ध्यान रखना. तो ये जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वो है. तो जो भी देखो ऐसा है, अगर मान लो तुमने फर्जी बोल दिया क्या कि हमने एक नया फसल बना लिया ये लोग, तो ऐसा नहीं है. जो भी आप क्लेम करोगे कि ये मेरा इन्वेंशन है, उसको ऑलरेडी जितने इन्वेंशन है उनसे मिलाया जाएगा, और उसको पूरे भारत के सरजमी पे 3 growing season, गेट इट, 3 growing season तक अंडर आइडियल फर्टिलाइजर और इरिगेशन, यानी सुचारू रूप से निराई गुड़ाई सिंचाई के साथ उसको आजमाया जाएगा, परखा जाएगा. और उस परखने के बाद अगर क्या है, अगर आपका इन्वेंशन सही माना गया तो अब ब्रीड क्लेम होगा आपका नया, फिर उसके लिए आप अथराइज होंगे, फिर आपके नाम से वो पेटेंट हो जाएगा. ठीक है, अब जरा माइक खोल लो. हम कहें आज से जो प्लांट ब्रीडिंग 9,000 से 11,000 साल पहले शुरू हुई थी, उस प्लांट ब्रीडिंग का अगर साइंटिफिक रूप देखें तो उसमें 2 स्टेप है कि 3, 4, 5 कलेक्शन अवेलेबिलिटी है, सिलेक्शन इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट, उसके बाद हम लोग सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट निकालते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, रिलीज करते हैं और कमर्शियलाइजेशन कर देते हैं अंडर आइडियल कंडीशन ऑफ निराई गुड़ाई एंड सिंचाई. अच्छा, कितने ग्रोइंग सीजन तक ग्रो कराएंगे, 2 की 3? 3. अच्छा, वेरी गुड. चलो, तुम सब अच्छे बच्चे हो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को. अब सुनो, देखो, जो अंग्रेज थे बहुत हरामी थे, समझो, जानते हो क्यों? सोचो, तुम्हारे घर में आए और तुम्हारे घर में रूम में ताला मार दें और उस रूम में हम घुस जाएं और लिखें हम क्या कि कुत्ते और आप अलाउ नहीं है, तो कितना बुरा लगेगा. ऐसे ही अंग्रेज हमारे साथ किए, अपनी धरती भारत पे आए और आने के बाद पूरा कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद शोषण करने लगे हर मामले में. तो अंग्रेज जब छोड़ के गए तो इस समय इंडिया की ऐसी हालत थी कि इवन इंदिरा गांधी का स्पीच सुनो तो कहती थी, तुम लोग यहाँ दो दो टाइम खाना बनेगा, रोटी खाओगे रोटी. इसका मतलब रोटी नहीं खाते तो क्या खाते थे, मड़ुआ,
टंगनी, कोदो, सावा, तुमने से नाम ही नहीं सुने होगी ये सब। सुने हैं सर। सुने हैं तो बड़ी अच्छी बात है यार। तो नहीं सुना है सर। नहीं सुना तो कोई सुनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब खा भी ना पाओगे, दांत टूट जाएंगे। हम कह रहे हैं कि आजादी के समय भारत की हालत बहुत खराब थी, तो आजादी के बाद पहला जो चुनौतीपूर्ण कार्य भारत के सामने था अपने एग्रीकल्चरल पृष्ठभूमि को सुधारना। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है, अगर चैलेंज लेता है तो ऐसे भी करता है भाई साहब। इमेजिन आज इंडिया के जीडीपी में एग्रीकल्चर का 33% हिस्सा है। आज किसान भाई लोग काम करना छोड़ दें, इतनी भूखमरी होगी सोच नहीं सकते। आज भी 62% लोग किसान हैं, तो इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 33% है, 62% लोग फार्मर हैं। और याद रखिएगा, इसके लिए क्रेडिट जाता है एम एस स्वामीनाथन को, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लांट नहीं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसमें ध्यान रखना, जो भी भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, गेट इट, मिड 1960s। अब नीचे देखो, वो मक्के की वैरायटी है, इसका नाम है गंगा, GNGA गंगा, और दूसरी सोनालिका HD 1553। देखो लिखा सोनालिका HD 1553, ये कब बना था, 1967 में, 1967, गेट इट, HD 1553 सोनालिका 1967। और देखो P1542, ये मटर का वैरायटी है जो कि हमने बनाया है। सुनना सर, ये 1966 में डेवलप्ड हुई, नहीं 67 में डेवलप हुई बेटा, देखो ध्यान से। सर वो P154 की 2 की बात कर रही हूँ मैं, सोनालिका की बात कर रही हूँ, ये डेवलप 1966 में हुई। किसकी बात कर रहे हो, मटर की गेहूं की? सर सोनालिका, हाँ सोनालिका गार्डन भी थी। सोनालिका गार्डन भी नहीं है यार, सोनालिका तो तुम्हारा गेहूं है। ओके, लग रहा है तुम कभी खेतों में गए नहीं हो, देखे नहीं हो गेहूं और मटर में। वो सोनालिका गेहूं है बेटा। सर पर बुक में तो सी पे मार्क है ना, तो बुक में तो गार्डन पीस लिखा हुआ है ना। सर आप फिगर देखिए, वहाँ पे सी पे लिखा हुआ है गार्डन पीस। तो ये देखिए सर, तो क्या हो गया, सी पे गार्डन पी, तो 1542 है। ओके सर, सही तो है, ठीक ठीक ठीक, सही है सर। अरे सब सही है यार, तुम लोग जितनी उम्र है ना तब से पढ़ा रहा हूँ। 2005 में आई थी ये नई वाली एनसीईआरटी, हमारे खून में बसी हुई है, समझ रहे हो। देखो आजकल देखो ना, जैसे ऐसे समझो, जो भी कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन का कितना बड़ा असर होता है कि आज ये बताओ, मोदी जी को लोग मानते हैं कि नहीं? नहीं, पता नहीं सर। यस सर, सच तो ये है कि लोग नहीं मानते। देखो सच तो ये है कि लोग बहुत मानते हैं। यस सर, यस सर, साउथ में नहीं मानते। मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं है। देखो अगर नहीं मानते तो अकेले एक पार्टी पे एक बंदा इतना हावी नहीं हो जाता, समझो। हम ये कहना चाहते हैं तुमसे कि अगर ये कोई कहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने क्या किया, सुन लो, 1960 से सन 2000 तक गेहूं की पैदावार 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन। तो मुझको नहीं याद होता था, हमने ऐसे याद कर लिया, 11 से 75, 75 को मैं बोलता हूँ 75 तो तुरंत याद हो जाता है। गेहूं की पैदावार 40 सालों में 1960 से सन 2000 तक 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक हो गया, गजब। सोचो सोचो सोचो। और धान की पैदावार 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन, 89.5 मिलियन टन हो गया, सोचो। ये क्यों हुआ, क्योंकि सेमी द्वार वैरायटी बनाए, किसका, गेहूं और राइस का। जिसको भी नोबेल प्राइज मिलता है उसको बोलते हैं नोबेल लॉरिएट। नोबेल लॉरिएट है नॉर्मन ई बुरलाग, ये कहाँ है भाई, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, कहाँ है, मेक्सिको में, डेवलप्ड इन सेमी द्वार वीट। 1963 में दो वैरायटी बनाए, सोनालिका और कल्याण सोना। बताओ 1963 में कौन सी वैरायटी बनी, सोनालिका कल्याण सोना की, दोनों दोनों यील्डिंग है और डिजीज रेजिस्टेंट है। ओके, सेमी द्वार वैरायटी जो राइस की बनाई गई वो IR8 है, सेमी द्वार वैरायटी गेहूं की सोनालिका और कल्याण सोना है, और राइस की IR8 है।
IRGAT बनाया गया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मनीला में है, MANILLA मनीला। मनीला किस कंट्री में आता है? फिलीपींस। और टाइचिंग नेटिव फर्स्ट ये ताइवान का है। 1966 में डेरिवेटिव बनाए गए। बाकी जया और रत्ना डेवलप हुए हैं भारत में, ये किसकी वैरायटी है? राइस की। चलो बाकी सब जानते हैं। आ जाइए शुगर केन। अब थोड़ा सा रुक जाओ। शुगर केन में जैसे देखो, इवन मैं जहां का रहने वाला हूँ, इवन मेरी भी पढ़ाई शुगर केन के ही दम पे हुई है। हमारे यहाँ जो भी हम लोग अपने शौक पूरे करते हैं वो गन्ना बेच के करते हैं, गन्ने की खेती होती है। तो आपको बताएं, एक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, दो गन्ना है। किताब छोड़ो, मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे एक साउथ इंडिया में चले जाओ, तो जो साउथ इंडियन होते हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। किसी दुकान जगह कुछ खरीदने के लिए पूछेंगे हाउ मच, तो कहेंगे 10 रुपीज, तो तुरंत 10 रुपए निकालेंगे और देके खरीद के चले जाएंगे। लेकिन अपने नॉर्थ इंडियन जो जाएंगे, वो जाने के बाद जाए पूछेंगे कितने का है, तो कहेंगे 10 रुपए का है, तो कहेंगे हमारे लिए कितने में करोगे, क्या तुम दामाद हो क्या उसके? पूछते हैं तो कहेगा 8 रुपए में, कहोगे नहीं हम 6 रुपए में लेंगे, तो कहेगा अच्छा 6 रुपए में, भैया 5 नहीं हो जाएगा, 5 दे दोगे भैया 3 नहीं हो जाएगा। देखो अपने नॉर्थ इंडियन में लोगों की आदत होती है बार्गेनिंग की। सब्जी खरीदने जाते हैं 5 रुपए की मिर्ची में 1 रुपया छुड़ाते हैं, समझो। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो साउथ इंडिया वाले होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, जो नॉर्थ इंडिया वाले होते हैं बार्गेनिंग वाले होते हैं। तो सेकहरम यानी गन्ना दो वैरायटी हो गई, बारबेरी बार्गेनिंग वाले नॉर्थ इंडिया, ऑफिसिनेरम ऑफिशियल साउथ इंडिया, ऐसे रट लेना। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो साउथ इंडिया का गन्ना है वो सखेरम बारबेरी है, ऑफिसिनेरम है, ऑफिसिनेरम है। नॉर्थ इंडिया का कौन है? बारबेरी है। जैसे साउथ इंडिया, ऐसे ध्यान रखना, साउथ इंडियन जब झगड़ा भी करते हैं तो बहुत पोलाइट से करते हैं, आप कह के बात करते हैं, समझो, समझ रहे हो ना। साउथ इंडियन झगड़ा भी करेंगे तो बहुत सोफिस्टिकेटेड झगड़ा करते हैं, और अपने नॉर्थ इंडियन झगड़ा छोड़ दो, ज्यादा दुलार से भी कहेंगे रह नीते सुनता रे राय, समझो। बहुत पुअर शुगर कंटेंट है नॉर्थ इंडियन में, और साउथ इंडियन में बहुत शुगर कंटेंट है, समझो, ऐसे याद रखना। नॉर्थ इंडिया का गन्ना और साउथ इंडिया का गन्ना में कौन हाई शुगर कंटेंट है? साउथ इंडिया। कौन किसमें शुगर कंटेंट कम है? नॉर्थ इंडिया। ऐसे ध्यान रखना कि जैसे साउथ इंडियन ना खाना खाने के बाद इडली डोसा सांभर खूब खाते हैं, खा के एकदम फुल हो जाते हैं, फुल मोटा आके बैला आ जाते हैं एकदम। और नॉर्थ इंडिया में कहते हैं जब तरकारी बनल बाद दाल का हुई, या दाल बना है तो तरकारी का हुई, कंजूसी से काम चलाते हैं, एकदम सूखे सूखे होते हैं, कुपोषण के शिकार, समझो बात को। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में मोटा मोटा साउथ इंडिया, दुबला पतला नॉर्थ इंडिया, मोर शुगर कंटेंट साउथ इंडिया, लेस शुगर कंटेंट नॉर्थ इंडिया, सेखरम बारबेरी नॉर्थ इंडिया, सेखरम ऑफिसिनेरम साउथ इंडिया। अब जल्दी जल्दी बोलोगे, जल्दी जल्दी बोलोगे, ठीक है? तुमको बोला नॉर्थ साउथ, ठीक है, माइक खोल लो। भैया हम पंखा और एसी सब बंद कर दिए हैं, हड़हड़ाए नहीं, गर्मी भी हो रहा है लेकिन आप घड़घड़ा रहे हैं, एकदम शांति सुनिए। आपको साउथ नॉर्थ बोलना है, ठीक है? चलो बारबेरी ऑफिस इन साउथ, थिकर स्टैंड साउथ, साउथ थिनर स्टैंड नॉर्थ, मोर शुगर कंटेंट साउथ, लेस शुगर कंटेंट नॉर्थ। अच्छा अब आ जाओ, देखो मिलेट्स, देखो जैसे मक्का है ना, मक्का बहुत अच्छा होता है, विटामिन बी मिलता है मक्के से, बट मक्का ज्यादा खाओगे ना तो पिलगरा हो जाएगा, पिलगरा स्किन खराब हो जाएगी, लूज मोशन होगा, दुनिया भर की दिक्कत होगी। सुनो जैसे जवार है, उसका जवार का क्या होता है ना, बहुत न्यूट्रिशियस होता है लेकिन डाइजेस्ट करने में पसीने छूट जाएंगे। जो बाजरा होता है, सोचो बाजरा जिसका नाम है बाजरा है, तो मेज हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, इन तीनों में ना बहुत अच्छे अच्छे मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। तो तीनों को अलग अलग खाना हमारे लिए बड़ा मतलब टिपिकल टास्क है, खाने में थोड़ी लगूंगे, पचाने में है क्या कि अगर हम हाइब्रिड बना लें किसका, मेज का, जवार का, बाजरा का, उसको क्या बोलते हैं, मिलेट्स, एक ऐसा फसल जिसे मक्के की, जवार की और बाजरा की तीनों की प्रॉपर्टी, उसको मिलेट्स बोलते हैं, समझे? तो बताओ मिलेट्स क्या है, हाइब्रिड किसका है, मेज की, जवार की, बाजरा की, तीनों।
हाँ, एक किसान जो होता है बहुत मेहनत करता है कि दो पैसा कमाएंगे, फिर जोड़ता है कि घर बनाता है, एक आसियाना बनाने की फिराक में कड़ी धूप में या जेठ वैसा की कड़ी धूप में और ये सावन की बारिश में बैठ के ठंडी में ठिठुरता है ताकि उसकी फसल क्या है बचा सके, लेकिन वो शाम दाम दंड वेद तीनों लगा देगा, ऊपर वाला पूरा मेहरबान भी हो जाए तो अभी 20-30% फसल उसकी बर्बाद होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। समझो अब इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द डिजीज कॉज बाय फंजाई आर रस्ट, जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है, पक्सीनिया, लिख जाओ ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है, पक्सीनिया, PUCCINIA पक्सीनिया। रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होता है, कोलिटोट्राइकम फल्केटम, इसमें इफेक्ट होता है मिड रीफ, किसका फोन आ रहा है बतिया लो, बाबू का फोन ना आ रहा हो, चलिए तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है भाई, माइक खोलो सब लोग, पक्सीनिया ग्रेमिनी, रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलिटोट्राइकम फल्केटम, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया, गलत हो गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया नहीं, फाइटोप्थोरा इंटरस्टेंस होता है, फाइटोप्थोरा इंटरस्टेंस, अर्ली ब्लाइट होता है अल्टरनेरिया सोलेनी से, अगर भूल जाओ ऐसे याद रखना, ए फॉर अल्टरनेरिया, ए क्या आता है एबीसीडी में, लेट आता है अर्ली, अर्ली ठीक है। अच्छा जो नीट में पूछेगा ये ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, क्या मेरा सर दर्द कर रहा है, कौन बजा रहा है घर घर यार, ये ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर कौन बताएगा किससे होता है, किसका डिस्टर्ब हो रहा बार बार यार, सर माइक सब के बंद करवा दीजिए सर, जरा एक मिनट माइक सारे लोग बंद करोगे, सारे लोग माइक बंद कर दो, अब ध्यान सुनो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, देखो कानपुर से पिछले 10 सालों से क्या है कि 100 के अंदर एको रैंक नहीं आया है, ठीक है, आया था सत्येंद्र वर्मा का आया था 19 रैंक, उसके बाद नहीं आया था, न्यूलाइट से ही आया था वो भी, और इस साल थोड़ा सा भी साथ दोगे ना, थोड़ा सा भी साथ दे दिए तुम तो कोई रोक भी नहीं सकता, ध्यान लेना। देखो तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर होता है स्यूडोमोनास स्पीसीज, लिखो TSEUDO स्यूडोमोनास स्पीसीज, ठीक है। बाकी देखो लिखा है मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, तो बेटा जो तुमको पहले पढ़ाए हैं क्या है, कलेक्शन अवेलेबिलिटी, जर्मप्लाज कलेक्शन कहते हैं, सिलेक्शन इवेलुएशन ऑफ पेरेंट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट, समझो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को निकालना, टेस्टिंग रिलीजन कमर्शियलाइजेशन, सेम स्टेप है वही, देखो वेरियस स्टेप आर स्क्रीनिंग जर्मप्लाज, वही सारी चीजें ऊपर लिखी हुई है, तो करने की जरूरत नहीं, तुम कर चुके हो। 9.1 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वीट की वैरायटी कौन सी है, हिमगिरी, किसके लिए रेजिस्टेंट है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। अच्छा अगर तुम कह रहे हो कि ये तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो तुम एक नॉन सीरियस कैंडिडेट हो, यू आर वेस्टिंग टाइम, थोड़ा सा समय देके याद करो, याद हो जाएगा। देखो हिमगिरी वैरायटी है वीट की, ये किसके लिए रेजिस्टेंट है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, पहिल वंट, ब्रेसिका पूसा स्वर्णिम करण राई व्हाइट रस्ट, क्वालिफा फ्लावर पूसा सुब्रा या पूसा स्नोब्रा K1, ये किसके लिए रेजिस्टेंट है, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, काउपी पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट, पूसा सदाबहार चिल्ली। इसमें तुम्हें पूछेगा कि जो भी क्रॉप है उसकी कौन सी वैरायटी किसके लिए रेजिस्टेंट है, ध्यान से जानना है, चिल्ली के लिए वैरायटी कौन सी, पूसा सदाबहार,
पूछा सदाबहार में रेजिस्टेंस, तुम ऐसे याद रखना सीएमवी टीएमवी एलसी सीएमवी टीएमवी चिली मजाए वायरस टोबैको मजाए वायरस लीफ कॉर्न। कोई भी चीज याद करना है ना, जैसे योगी तपस्या करता था ना पहले योग भावना में डूब के एकदम, तो एनसीईआरटी खोल के एकदम डूब जाओ। वीट की वैरायटी कौन सी है? हिमगिरी। किसके लिए रेजिस्टेंस है? लीफ एंड स्ट्राइक रस्ट। और कौन सी है? हिल बंट। ब्रेसिका पूछा सुना नेम करन राय, किसके लिए? व्हाइट रस्ट। क्वालीफ्लावर पूछा सुब्राय पूछा स्नोबॉल। ब्लैक रॉट कल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट या कल ब्लाइट ब्लैक रॉट, काउपी पूछा कुमल। ठीक है, अब इसमें अच्छा एक बार बताओ, मेरी बात सुनो, अब माइक खोलोगे थोड़ी देर के लिए। चना की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, कौन सबसे अच्छा होता है? चना की दाल की, मसूर की दाल की, मूंग की दाल? चने की दाल, चने की दाल, चने की दाल, चने की दाल। सबसे बेकार कौन सा होता है? मसूर की दाल। देखो सबसे बेकार जिसको बोलते हैं वो मूंग की दाल होता है, क्योंकि मूंग के दाल में कीटनाशक बहुत पड़ता है। देखो जो लड़का खेतीहर होगा वो जानता होगा, खेती होती में तो किसान का हालत खराब हो जाता है मूंग में। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा, बंद करो माइक, जो भी मूंग की दाल है ना उसके पैदावार में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड पड़ता है, तो मूंग की दाल को बर्बाद करने का जो क्रेडिट जाता है, देखो देखो लिखा है इन मूंग बीन, म्यूटेशन ब्रीडिंग का सहारा लेके, इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू। देखो दो बीमारियां हैं मूंग में, येलो मोजाइक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू, इसके लिए रेजिस्टेंस लाया गया क्या करके, म्यूटेशन करा के। ठीक है, बाकी देखो भिंडी की एक वैरायटी है प्रभानी क्रांति, मतलब प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी है? भिंडी की। इसमें किसके प्रति रेजिस्टेंस आया? येलो मोजाइक वायरस। यानी येलो मोजाइक वायरस इतना हरामखोर है कि ये मूंग और भिंडी दोनों का सत्यानाश कर देता है। देखो जैसे भिंडी हो गया, कटहल हो गया, समझो पहले मैं भिंडी या कटहल उठा के फेंक देता था, अब मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में दो दिन भिंडी कटहल जरूर मिल जाए। जितने सब्जियों में लिविर लिविर चिपिर चिपिर होता है, समझो यानी कटहल में ले लो या भिंडी में ले लो, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्लीन कर देता है। जब एलिमेंट्री कैनाल क्लीन होता है ब्लड सप्लाई पूरा प्रॉपर हो जाता है। देखो देखो हमने क्या बोला, मूंग में बहुत ज्यादा कीटनाशक पड़ता है, पर मूंग पचना बड़ा आसान होता है, इसलिए पेट वेट खराब होता है तो लोग मूंग का दाल दे देते हैं, पर मूंग का दाल रूटीन में नहीं खाते क्योंकि कीटनाशक बहुत पड़ा हुआ है। तो आजकल कीटनाशक से बचने के लिए इन्होंने यूज किया क्या है, म्यूटेशन ब्रीडिंग वाले वैरायटी, तो जिसमें मूंग बीन के प्रति में रेजिस्टेंस आया किसके? येलो मोजाइक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू। यही येलो मोजाइक वायरस आपको थे किसके लिए? भिंडी के लिए। तो येलो मोजाइक वायरस से बचाने के लिए भिंडी की वैरायटी गई है प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति भिंडी की वैरायटी है। सुनना ऐसा है, एक लाइन जो दिया है ना ऊपर से तीसरी लाइन, ये खतरनाक लाइन है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन इज अचीव्ड बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। मिला? यस सर। धीरे बोलो यार, धीरे धीरे बोलो, कान में लगाया ना हेडफोन बहुत ध्वन से आ रहा है। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन अचीव्ड बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेट एंड सोर्स। तो पूछे कैसे क्वेश्चन आएगा, कहेगा ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन इज अचीव्ड बाय, तो जवाब होगा सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन, आगे एक लाइन लिखो एंड डोमेस्टिकेशन। अब सुनो ये आर्टिकल 9.2.3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मान लो तुमको पता चल जाए कि अगर कोई तुमको जान से मार देगा तो मरने के लिए तैयार रहोगे कि भाग जाओगे? भाग जाएंगे सर, लेकिन सोचो एक बकरी या कोई भी मवेशी जानवर किसी पौधे को चरने गई तो भाग भी नहीं पाएगा, उसको तो मरना पड़ेगा। इसीलिए पौधा अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल तीनों हो सकता है।
किसी को चिकनी पसंद है तो किसी को खुरदरी पसंद है, पत्ती की बात कर रहा हूँ। पत्तियों में देखोगे कुछ पत्तियां ऐसी हैं जो हेरी होती हैं, कुछ स्मूथ होती हैं, कौन अच्छा होता है हम नहीं कह सकते। तुम देखते हो बिल्कुल वैसे ही, जैसे मान लो कोई रास्ते मिला, तुमने कहा यार मस्त आदमी है, तब तक तो कोई दूसरा कहे यार बहुत बेकार है। अरे जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं, कई बच्चे कहेंगे बहुत मस्त पढ़ा रहा है, कई कहेंगे ठीक है, कई कहेंगे अरे बेकार है यार, कई कहेंगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, कुछ कहेंगे अरे यार एकदम मस्त बताता है। अब सोचो सबका ओपिनियन अलग अलग है ना, अब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसको सब पसंद करें, कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे सब नफरत करें। तो जो पेड़ों की पत्तियां है ना, तो कुछ को चिकनाई पसंद है, कुछ को हेरी पसंद है। जैसे मान लो कुछ हेरी से नफरत करते हैं, वो कुछ स्मूथ से नफरत करते हैं, हर तरह का है। तो हम केवल बात करें हेरी लीव्स की, तो ऐसे ध्यान रखना एक कीड़ा है जसीडवा, जसीड इतना कमीना है, ये कॉटन को खा लेता है। तो कॉटन अपने आप को बचाता है, कभी अपनी इधर किताब छोड़ दो, किताब छोड़ो, सुनो सुनो, मैं कॉटन हूँ समझो, मेरे दो दुश्मन हैं, मैं हूँ कॉटन, मेरे दो दुश्मन है, जसीडवा है बुलवरमुआ है, ऐसे याद रखना। कॉटनवा के हैं दो दुश्मन, जसीडवा और बुलवरमुआ, समझो। तो हम कॉटन है, तो अगर मान लो हम जसीड दिखा तो हम अपने जैसे मान लो हमको हमारी बुआई ऐसे क्षेत्र में हो गई जहाँ जसीड मिलते हैं, तो हम अपनी पत्ती को हेरी कर देंगे। लेकिन हमारी बुआई ऐसे जगह हो गई जहाँ बोलवार मिलते हैं, तो हम अपने पत्ती को स्मूथ कर लेंगे। तो पूछेगा बोलवार जसीड किसको इन्फेक्ट करते हैं, तो कहोगे कॉटन को। इन कॉटन के हैं कितने दुश्मन, दो जसीड और बोलवार। रिलैक्स रहो ना, रिलैक्स, जो काम प्यार से हो सकता है समझो वो लंबा होता है। जो मजबूरी में काम होता है ना, मजबूरी का बंधन ऐसा होता है जब तक मजबूरी है तब तक चलेगा, और प्यार का बंधन ऐसा होता है एक बार बांध दो जिसको भी बांध दो जन्म कम पड़ जाएगा, समझो बात को। हम कह रहे कॉटन के दो दुश्मन है जसीडवा और बुलवरमुआ, बट कॉटन ना अपने आप को बचाने के लिए किससे, जसीडवा से, अपनी पत्ती को हेरी कर देगा। अब बुलवरमुआ से बचाने के लिए कैसे कर देगा, चिकनी। तो बताओ कॉटन के कितने दुश्मन है, माइक खोलो, दो, जसीड और बुलवार, बुल नहीं है भाई, बॉलवार्म है, ठीक है। तो बॉलवार्म से बचाने के लिए, जैसे बॉलवार्म से बचाने के लिए कॉटन क्या करेगा, अपनी पत्ती हेरी करेगा, स्मूथ स्मूथ, गुड गुड गुड, स्मूथ कर लेगा। जस्टिन से बचाने के लिए हेरी, हेरी हेरी कर लेगा। सुनना ध्यान से, देखो लिखा है रेजिस्टेंस टू जसीड इन कॉटन एंड सीरियली बिटल इन व्हीट, हेयरी लीव्स। अच्छा तो अब तुम ऐसे याद रखना, गेहूं के दो दुश्मन है, एक सीरियल लीफ बीटल है और एक सॉफ्ट फ्लाई है। सॉफ्ट फ्लाई देखो, जैसे हमने तुमको क्या बोला, किताब छोड़ो, हमने बोला गेहूं के दो दुश्मन जसीड और बोलवर्म, वैसे गेहूं के दो दुश्मन सॉफ्ट फ्लाई और सीरियल लीफ बीटल। सीरियल लीफ बीटल से बचाने के लिए गेहूं अपनी पत्ती को क्या कर देगी, हेयरिंग, और सॉफ्ट फ्लाई से बचाने के लिए गेहूं अपने स्टेम को क्या कर देगी, सॉलिड स्टेम। जो सॉलिड स्टेम होगा गेहूं का उसको सॉफ्ट फ्लाई नहीं नुकसान पहुंचाएगी, ठीक। ऐसे याद रखना स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस कॉटन, ये रेजिस्टेंस देगा बोलवर्म के लिए, यानी बोलवर्म से बचाने के लिए दो मॉडिफिकेशन है, यानी अपने में नेक्टर को कम कर देना, पत्ती को चिकना कर देना। गेट इट, हाईएस्ट पार्टी के सीड, लो नाइट्रोजन एंड सुगर कंटेंट, मेज में स्टेम बोरर से बचाता है, यानी मक्का अपने आप को किससे बचाता है, स्टेम बोरर से। मक्का का कितना दुश्मन है, स्टेम बोरर, कैसे बचाएगा, स्पार्टिक एसिड हाई कर देगा, नाइट्रोजन और शुगर लो कर देगा, बस खत्म खत्म हो गया भाई। अब आ जाओ ब्रेसिका, इसकी वैरायटी कौन सी, पूसा ग्रह, किसके लिए रेजिस्टेंट है, एफिड्स के लिए, फ्लैट बीन, पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री, इसके कितने हैं, तीन, जसीड एफिड्स फ्रूट बोरर। उखरा क्या है, भिंडी, वैरायटी कौन है, पूसा सवानी, शूट या फ्रूट बोरर। अब आ जाओ ये एक बार टेबल देख लेना भाई, ओखरा क्या है, भिंडी, पूसा सवानी, पूसा एफोर, शूट एंड फ्रूट बोरर। 840 मिलियन लोग भर पेट खाना नहीं खा पाते हैं, 840 मिलियन है भर पेट खाना नहीं खा पाते, और लगभग 3 बिलियन लोग हिडन हंगर के शिकार हैं। देखो अच्छा माइक खोलो, एक आदमी को बैलेंस डाइट लेने के लिए एक मंथ में कितना रुपया चाहिए,
बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। देखो अगर हमारी बॉडी में, देखो एक आदमी को मतलब एक महीने में हेल्दी रहने के लिए कम से कम कितना रुपया चाहिए बताओ? 9-10 हजार सर। 9-10 हजार घंटा नहीं कुछ होगा, 9-10 हजार में प्रोटीन नहीं आएगा सर। उठ जाइए। हेलो हेलो यस सर, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज आपकी? एक बंदे को एक महीने में हेल्दी रहने के लिए कम से कम आज के टाइम पे 1 लाख रुपया चाहिए मिनिमम, बता रहे हो? हाँ भाई समझ रहे हो, कभी क्लास के बाद जुड़वा लेना कि कैसे 1 लाख चाहिए, समझा दूंगा, समझ रहे? लेकिन उतना हम एफोर्ड नहीं कर सकते। हेल्दी रहता होगा? अरे बहुत है, तुम्हारे कानपुर में बहुत है जो रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? ये मत सोचो, तुम्हारी ये बात याद रखना, तुम ही सोचोगे कि क्या है, क्या बोल रही, तुम ही खर्च करोगे अपने ऊपर जो कमाओगे, तो कमाने वाले बहुत हैं, ठीक है। ऐसा है, अगर तुम्हारे बॉडी में आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक इसकी कमी हो गई, समझो, अगर आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और जिंक अगर इसकी कमी हो गई तो तुम्हारा मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, कई बच्चे कहते हैं सर पढ़ते हैं याद ही नहीं होता है, अरे यार तुम्हारी बॉडी में आयरन कंटेंट प्रॉपर होगा, विटामिन ए पूरा होगा, आयोडीन और जिंक तुम्हारा होगा, तो तुमको इरिटेशन नहीं होगा, ना तुमको डिप्रेशन होगा, ना तो तुम फ्रस्ट्रेट होगी, तुम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत मजबूत होगी। 840 मिलियन लोग भरपेट खाना नहीं खा पाते, लगभग 3 मिलियन लोग हिडन हंगर के शिकार है, जिनकी बॉडी में आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक की कमी है, समझो। तो 1 लाख रुपया चाहिए ताकि मिनिमम हम जी सके, पर उतना आबादी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम नहीं है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा हर गरीब आदमी भी अपने हेल्थ का ध्यान रख सके, तो एक नया टेक्नोलॉजी लेके आए। ये टेक्नोलॉजी का नाम बायो फोर्टिफिकेशन है, इसमें हम फसल की ब्रीडिंग कराते हैं, ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल या हायर प्रोटीन और हेल्दियर फैट, हेल्दियर फैट यानी क्या, हेल्दियर फैट मालिको पूफा, PUFA, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है आवाज। अच्छा कभी 16 हो जा रहे हैं, कभी 20 हो जा रहे हैं, कभी 11 हो जा रहे हैं, बच्चों का नेट भी जाता होगा ना सर? अपने आप कट जाता है सर। अच्छा, हम ये मतलब नहीं है, लीव कर देते हैं। अरे तो लीव कर दें तो क्या है, करें लीव। मैं कह रहे हैं कि देखो अच्छी क्वालिटी का फैट पूफा होता है, सूरजमुखी में बहुत होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन 4 उद्देश्य से कराते हैं, प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी बढ़ाने के लिए, आयल कंटेंट क्वालिटी बढ़ाने के लिए, विटामिन कंटेंट बढ़ाने के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल बढ़ाने के लिए। 2000 में मक्के की वैरायटी बनाई गई जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन कंटेंट ज्यादा है, बता 2000 में मक्के की वैरायटी बढ़ाई गई 2 टाइम क्या, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और वीट की वैरायटी बनाई गई एटलस 66 जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसने ना विटामिन और मिनरल रिच फसल बनाई, विटामिन ई एंड रिच कौन है, गाजर, पालक, कद्दू, ऐसे याद कर सकती हूँ, गाजर पालक कद्दू, विटामिन ए एंड रिच, समझो। तुमको डेली गाजर, पालक, कद्दू तीनों में से एक कोई खाना चाहिए, तो बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। बताओ विटामिन ए एंड रिच कौन है, बताओ? गाजर पालक कद्दू, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और विटामिन सी एंड बिटर गार्ड माने करेली, करेला बहुत अच्छा, पता है तुम्हारे बॉडी में कितनी भी गंदगी इकट्ठा हो स्किन में, वाइटल ऑर्गन में, करेला एकदम साफ कर देगा, बहुत अच्छा होता है करेला। डायबिटीज के लिए सही होता है, डायबिटीज छोड़ दो, हर बीमारी का निदान है, डायबिटीज को तो ब्लड शुगर कम करेगा ही, पूरा बॉडी का गंदगी झाड़ देगा एकदम, समझो।
बिटरगार्ड बथुआ, भाई साहब गजब की चीज है बथुआ, आयरन जिंक कैल्शियम का भंडार है। विटामिन सी जानते हो, अगर तुम विटामिन सी अगर अभी से ध्यान देने लगोगे अपनी बॉडी के ऊपर, बुढ़ते भी नहीं करोगे समझो। हम तो भैया डेली विटामिन सी सुबह शाम दोनों टाइम, अंदर बाहर दोनों, यानी साबुन भी विटामिन सी वाला लगाते हैं और खाने में भी विटामिन। हाँ हंसी आ रहा है तुम्हें, अभी दाढ़ी छिल के बगल में खड़ा हो जाएंगे तो कुछ लगेगा तुम्हारा भाई है, छोटा भाई है समझे, हल्के ना लो। ऐसा है विटामिन सी बुढ़ापा को रोकने का, मतलब क्या बोले हम तुमसे, ये बहुत बड़ा भंडार है। कहाँ है? करेली बथुआ मस्टर्ड टमाटर, बिटरगार्ड बथुआ मस्टर्ड टमाटर, आयरन और कैल्शियम रिच क्या है बथुआ, और प्रोटीन वाला क्या है ब्रॉड लेवल ऑफ फ्रेंच गार्डन की। अब सिंगल सेल प्रोटीन, अभी लड़का एक कह रहा था कि नौ दस ग्राम क्या होता है सर? अरे कवाच जानते हो? कवाच नहीं, अरे गांव में होता है सेम के जैसा होता है, अरे जैसे सेम होता है सेम गांव में, सेल की वैरायटी तो है सर। हाँ उसी की वैरायटी है। सुनो अभी लड़का कह रहा था कि 9-10 हजार में काम चल जाएगा, एक महीने में एक बंदे को मिनिमम 3 किलो वे प्रोटीन चाहिए, ठीक है, एक टाइम के लिए। दो टाइम तो तुम लोगे ही, 6 किलो भी चाहिए तो तुम्हारा 12-14 हजार का प्रोटीन आ जाएगा। बट एक बंदा 12-14 हजार का प्रोटीन कहाँ खा पाएगा यार, 20 हजार सैलरी अगर पा रहा है, या इवन डॉक्टर भी लाख रुपए सैलरी पा रहा है तो लाख रुपए अपने पे खर्च लेगा तो बीवी कहाँ जाएगी, बच्चे कहाँ आएंगे, स्कूल फीस कहाँ आएगा। तो भैया प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्रोटीन के अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में लेट मी इंट्रोड्यूस SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बेटा? सिंगल सेल प्रोटीन। तो टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास, सिंगल सेल प्रोटीन थोड़ा सा बचा हुआ है 15-20 मिनट का, ये अगले लेक्चर में मैं निपटा दूंगा, ठीक है? ओके सर। अच्छा ये बताओ, जो जहां जहां बोर्ड यूज करना होगा हम यूज कर लेंगे, और जहां बोर्ड यूज नहीं करना होगा तो क्या फायदा बोर्ड यूज करना, क्यों भाई बताओ? यस सर, सही बोले। जहां बोर्ड यूज करने का मतलब तुम्हें पता तो हो एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा मेहनत करिए, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं तुरंत सॉल्व करूंगा उसको, ठीक है? सर व्हाट्सएप नंबर है ही नहीं आपका सर, व्हाट्सएप नंबर नहीं है सर आपका, सिस्टम के थ्रू आइए, वहाँ ऑफिस में जो भी मैम है उनसे लेके आप सिस्टम के थ्रू चैनल से आइए, ठीक है? ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.